एंड हम आए हैं सेब के बगीचे में। हमारी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ सेब के बगीचे हैं, तो पूरा फ्रेंड सर्कल आ रहा है और हम अभी जा रहे हैं सेब के बगीचे देखने। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सारा सेब लगा हुआ है, ऊपर से नेट डाला हुआ है एंड सारा सेब है। पूरा जंगल ही यहाँ पर सेब, यहाँ देखो वहाँ सेब के पेड़। एंड अभी थोड़े बादल आ गए, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वाइट वाइट सा। ये एरिया है मड़ोग का। मड़ोग वो विलेज है जिसको इंडिया का सबसे रिचेस्ट विलेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेब उगता है ना वो करोड़ों में उगता है एक एक परिवार। ये है वो होता है ना इशू हवा से उड़ती हुई, अभी इन्हीं के गांव जा रहे हैं। ओके लेट्स गो मैम, बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैम। ये आ गए हम गांव। इशू कौन सा, क्या था इस गांव का नाम? बटेउड़ी। बटेउड़ी बटेउड़ी गांव में जा रहे हैं। ये चूरदार के ट्रैक वाली स्पेशल लड़कियां ये वनडे में अप डाउन करने वाली लड़कियां एक गिरा दो को साथ लेके गिरे वही मुस्लिम लोग। ये बंदे गिरते गिरते आ रहे हैं, कह रहे थे चूरदार का ट्रिप वन एक दिन में अप डाउन करेंगे। चोट लगी हाय ब्राउनी 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 काट ना दियो बेटा, ठीक है तेरे को 14 इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। सो ये अभी अपने देवता के पास जा रहे हैं एंड ये इनका देवता ऐसा होता है। सो यहाँ पर सिर्फ यही जाएंगे, बाकी हम करेंगे एक्सप्लोर। 1 2 3 4 व्लॉग इज ओवर हियर एंड ये है वो एरिया हिमाचल का, वन ऑफ दैट एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेब की प्रोडक्शन होती है। होप यू लाइक इट, थैंक यू।